डियर स्टूडेंट आर सी आई एजु हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, तीन प्रकार से आपने पढ़ लिया था, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के द्वारा, संघनित संरचनात्मक सूत्र के द्वारा और आबंध रेखीय सूत्र के द्वारा। तो आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आज पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक जो यौगिक हैं उनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है, आज का जो टॉपिक रहेगा क्या है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों को कार्बन श्रृंखला के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जो आपका कार्बनिक यौगिक है उनको कार्बन श्रृंखला के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को कार्बन श्रृंखला के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यानी कार्बनिक जो यौगिक हैं उनको कार्बन श्रृंखला के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो यानी कार्बनिक यौगिक है आपके पास, कार्बनिक यौगिक उसको यहां से कितने भागों में बांट दिया जाता है, कार्बन श्रृंखला के आधार पर दो प्रकार में डिवाइड कर दिया जाता है। पहली बात कर लेता हूं अचक्रीय, अचक्रीय असाइक्लिक बोल सकता हूं, अचक्रीय का ही नाम होता है, इसी का दूसरा नाम होता है विवर्त श्रृंखला, विवर्त श्रृंखला वाले ओपन चेन। विवर्त श्रृंखला का मतलब यहां पे क्या है, ओपन चेन। इसी का नेक्स्ट नाम दे सकते हैं एलिफैटिक यौगिक भी बोलते हैं, इसी को बोल सकते हैं एलिफैटिक यौगिक। दूसरे टाइप है चक्रीय यौगिक, सेकंड टाइप के अंदर बात करेंगे चक्रीय यौगिक, यानी इसको मैं कह सकता हूं साइक्लिक कंपाउंड। इसी का है संवर्त श्रृंखला वाले यौगिक, संवर्त श्रृंखला वाले यौगिक, इसे बोलते हैं एरोमेटिक भी बोल सकते हैं। जो चक्रीय यौगिक है उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, संवर्त श्रृंखला वाले। तो यानी कि डियर स्टूडेंट, यहां से कार्बनिक यौगिकों को कार्बन श्रृंखला के आधार पर निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो अचक्रीय और दूसरा क्या होता है चक्रीय यौगिक। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे चक्रीय यौगिक। अब चक्रीय यौगिक जो होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, यहां से टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार से, यानी एक तो ब्रांचिंग में भी हो सकता है और अनब्रांचिंग में। ये ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग यानी कि शाखित और अशाखित के रूप में जो जुड़ते हैं उनके अंतर्गत अपन पहले पढ़ेंगे, पहला टाइप सैचुरेटेड संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक और नंबर टू पे बात करूं मैं असंतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के अंदर बात करते हैं एल्केन, यानी सिंगल बॉन्ड वाले, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के अंदर पढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एल्कीन है,
एल्काइन है। एल्कीन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु वाले यौगिक, और एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन परमाणु वाले यौगिक। तो यानी कि आपके जो अचक्रीय यौगिक है वो दो प्रकार से पड़ेंगे, आप एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। इसी प्रकार से यहाँ पे जो चक्रीय यौगिक है वो भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के कौन कौन से पड़ेंगे यहाँ पे। पहली बात करूंगा मैं यहाँ से समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक, और दूसरा होता है विषम चक्रीय यौगिक। यानी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड और इसे बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पे विषम चक्रीय यौगिक जो होते हैं उनका कोई आगे टाइप नहीं होता है। समचक्रीय यौगिकों का दूसरा नाम होता है कार्बोसाइक्लिक यौगिक भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक यौगिक, कार्बोसाइक्लिक यौगिक। यानी समचक्रीय जो यौगिक है वो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के पड़ेंगे, तो एसाइक्लिक इसका भी यहां से टू टाइप्स में वर्गीकरण करते हैं, दो प्रकार के एसाइक्लिक, एसाइक्लिक यौगिक, और दूसरा पढ़ते हैं यहां से एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। अब यहां से एसाइक्लिक यौगिक का कोई टाइप नहीं है, यहां से एरोमेटिक यौगिक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, यहां से दो प्रकार के पढ़ते हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट होता है बेंजिनोइड, बेंजिनोइड यौगिक, और दूसरा होता है यहां पे नॉन बेंजिनोइड यौगिक, नॉन बेंजिनोइड यौगिक। तो ये है डियर स्टूडेंट कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण उनकी श्रृंखला के आधार पर। तो यानी कि कार्बनिक जो यौगिक हैं उनका जो वर्गीकरण है उनकी श्रृंखला के आधार पर किस प्रकार करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का जो कार्बन श्रृंखला के आधार पर वर्गीकरण चल रहा है वो दो प्रकार से चल रहा है, पहला कौन सा था अचक्रीय, दूसरा चक्रीय। अचक्रीय जो यौगिक होते हैं उनको कैसे यौगिक कहा जाता है, विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक, यानी ओपन चेन कंपाउंड कहा जाता है। उसी प्रकार से जो चक्रीय यौगिक जो होते हैं इनको संवर्त श्रृंखला, इसका मतलब है क्लोज चेन कंपाउंड। संवर्त का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोज चेन कंपाउंड, यानी कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक। नेक्स्ट में पहली बात कर लेता हूं यहां पे अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का मतलब यहां पे कार्बन कार्बन परमाणु जो है उसके मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित है तो वो यौगिक कैसा कहलाएगा, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाएगा, जिसके अंतर्गत एग्जांपल की बात करूं तो कौन आएगा, एनके। ऐसे ही यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक यानी कि वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या है, या डबल बॉन्ड उपस्थित है या फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, यौगिक कैसा कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाता है, जिनके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, एल्कीन, और दूसरा कौन होता है, एल्केन। ऐसे ही यहाँ पे बात करें समचक्रीय यौगिकों के अंदर, चक्रीय यौगिक दो प्रकार के पड़ेंगे यहाँ से, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय का मतलब यहाँ पर रिंग तो बनेगी भले, लेकिन रिंग के अंदर समान प्रकार के परमाणु उपस्थित है तो यौगिक कैसे कहलाएगा, समचक्रीय। और रिंग के अंदर समान प्रकार के परमाणु के अलावा कोई भी एक अलग प्रकार का परमाणु, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है कार्बन के अलावा, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, यदि वो उपस्थित है तो इस प्रकार का जो यौगिक है वो क्या कहलाएगा, आपका विषम चक्रीय यौगिक कहलाएगा। अब यहाँ से जो समचक्रीय यौगिक है इनको भी दो भागों में बांट दिया जाता है, एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा कौन सा होता है, एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक का आगे कोई टाइप नहीं होता है, एरोमेटिक जो यौगिक है वो आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, पहला कौन सा होता है, बेंजेनोइड, और दूसरा कौन होता है, नॉन बेंजेनोइड होता है। तो मैं पहली बात करूं यहां से अचक्रीय यौगिक का मतलब यहां से समझाना चाहूं, तो डियर स्टूडेंट देखिए यहां से फर्स्ट बात कर लेते हैं यहां पे अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय का मतलब वे रिंग तो बनेगी नहीं, ये तो कन्फर्म है, नाम से पता पड़ रहा है अचक्रीय यौगिक, यानी कि बंद श्रृंखला ना बनके ओपन चेन कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। अब ओपन चेन के रूप में यहां पे बनेगा तो चेन दो ही प्रकार से बन सकते हैं, या तो सीधी श्रृंखला बने, सीधी श्रृंखला युक्त तो हो सकती है, या दूसरी है शाखित श्रृंखला युक्त हो सकती है,
ब्रांचिंग भी हो सकती है, साखित श्रृंखला युक्त यौगिक। अचक्रीय यौगिक जो है मुख्यतः दो ही प्रकार से बन सकते हैं, तो सीधी श्रृंखला युक्त यौगिक बन सकता है और दूसरा कौन सा बन सकता है, साखित श्रृंखला युक्त यौगिक। तो यहां पे डेफिनेशन क्लियर है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर कैसे बनाए, सीधी श्रृंखला युक्त या साखित श्रृंखला युक्त यौगिकों का निर्माण करते हैं, उन यौगिकों को क्या कहा जाता है, अचक्रीय यौगिक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि कार्बन कार्बन परमाणु इस प्रकार से जुड़ गए, यानी ये क्या बन रही है आप स्ट्रेट चेन बनाता है, इसका मतलब ये कैसा यौगिक है, सीधी श्रृंखला युक्त यौगिक। और इसी प्रकार से कोई कार्बन की चेन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन इस प्रकार से जुड़ रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है इस प्रकार से, यानी इस टाइप के जो यौगिक बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, साखित श्रृंखला युक्त यौगिक कहा जाता है। यानी दोनों ही प्रकार के यौगिक जो बनते हैं वो कौन सी यौगिकों की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं, अचक्रीय यौगिकों में शामिल किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ से क्लियर है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर कैसे बना ले यौगिक बनाए, सीधी श्रृंखला युक्त या साखित श्रृंखला युक्त यौगिकों का निर्माण करते हैं, उन्हें कैसे यौगिक कहा जाता है, अचक्रीय यौगिक कहा जाता है। और ये अचक्रीय यौगिक जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ये मैंने बताया दिया यहाँ पे, पहला कौन सा होगा संतृप्त और दूसरा कौन सा होगा असंतृप्त। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी।